यहाँ पे मटका चल रहा है, यहाँ पे क्रिकेट बेटिंग चल रहा है, यहाँ पे क्लब्स ओपनली चल रहे हैं, यहाँ पे दिन दहाड़े चोरी हो रहे हैं, डकैती हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, यहाँ ये जो पुलिस स्टेशन है ये रियल एस्टेट माफिया के आर्बिट्रेशन सेंटर हुए हैं। तो ये जो गवर्नमेंट में 40% करप्शन हो रहा है, ये रिक्रूटमेंट ये बीजेपी गवर्नमेंट हराज कर रही है। PSI देखे ना, PSI का जो ये हगरण चल रहा है इसमें ये हराज हुए सो है, विधानसभा में हराज किए हैं लोग। तो ये गवर्नमेंट टोटली नालायक गवर्नमेंट है, इसको मेरे ख्याल से लोग उखाड़ के फेंकने वाले हैं, सिर्फ इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या सर देखिए, रात के 12:30 बजे ये चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आप सोचिए उनको उनके कार्यकर्ता खुद बताएं कि आपका कोई साधना समावेश करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है कि ये BJP हुकूमत में क्या भी यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हुआ है, कुछ भी हासिल करे नहीं है एक साल में, तो क्यों कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हुआ है, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है एंटायर कोलैप्स हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है। दैट्स व्हाट, देखिए BJP की कार्यकर्ता BJP के अध्यक्ष की गाड़ी उठा के फेंकने की कोशिश किए हैं, तो आप समझ सकते कितना गुस्सा BJP कार्यकर्ताओं में अगर ये सरकार के खिलाफ है तो आम आदमी कितना गुस्सा है आम आदमी में इस सरकार के ऊपर, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स है, हमारे फार्मर्स को यहाँ पे फर्टिलाइज़र नहीं मिल रहे हैं, तो इस सरकार से किसको भी फायदा नहीं है, इसलिए ये सब हो रहा है। देखिए कल सेडम गुलबर्गा जिला के सेडम मत क्षेत्र में पादयात्रा अमृत महोत्सव, हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग पे ये पादयात्रा हम करने जा रहे हैं। ये यानागुंदी से लेकर के सुलेपेट तक 108 किलोमीटर ये पादयात्रा है। इसका मुख्य उद्देश्य, ये जो अमृत महोत्सव का ये पादयात्रा का उद्देश्य ये है कि कांग्रेस पार्टी देश भर, सोनिया गांधी जी का ये जो कॉल है कि देश भर ये अमृत महोत्सव पे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता हर डिस्ट्रिक्ट में 75 किलोमीटर मिनिमम पादयात्रा करना चाहिए। इस पादयात्रा का संदेश हमारा कांग्रेस पार्टी का जो देन है, ये आज़ादी की लड़ाई में जो कांग्रेस पार्टी का देन है, उसका जो त्याग है, बलिदान है, और ये इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ये 75 सालों में 55 साल कांग्रेस पार्टी का हुकूमत रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक। इस 55 साल में जो कांग्रेस पार्टी का जो देन है, जो कांग्रेस पार्टी का जो साधना है, कांग्रेस पार्टी इस देश के जो गरीबों के लिए जो काम किए हैं, कानून बनाए हैं, कार्यक्रम दिए हैं, प्रोग्राम्स दिए हैं, इसके बारे में लोगों में जागृति पैदा करना है, अवेयरनेस लाना है, ये इसका। और साथ ही साथ ये जो 8 साल ये मोदी सरकार का जो फेल्योर्स है, और ये स्टेट गवर्नमेंट का ये जो करप्शन है, इनका जो लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो कोलैप्स हुआ है, इसके बारे में भी लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए ये पादयात्रा कर रहे हैं। ये हमारे मत क्षेत्र में 108 किलोमीटर कर रहे हैं सेडम से सुलेपेट तक। ये 37 विलेजेस, ये विलेजेस में जाता है, और जहाँ पे रात होती है वहाँ पे नाइट हॉल्ट है। ये 9 दिन का ये पादयात्रा है। पहला दिन जो कल इनॉग्रेशन होगा उसके पूरे डिस्ट्रिक्ट के पूरे नेता आ रहे हैं, उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूंसी वाले करते हैं, क्योंकि हर लीडर अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में पादयात्रा करना है। तो जो कल का जो इनॉग्रेशन है पहला कर रहे हैं हम, पूरा एंटायर ये कल्याण कर्नाटक में जो पहला सेडम में हो रहा है, तो हम ये कल इनॉग्रेशन के लिए सभी आएंगे। ईश्वर खंडरी जी आएंगे, यहाँ पे प्रियंका आएंगे, अजय सिंह आएंगे, खनिज फातिमा जी आएंगे, और दक्षिणापुर जाएंगे, BR पाटिल, MY पाटिल, सुभाष राव, सब लोग आएंगे, हमारे जिला अध्यक्ष आएंगे, सब लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट। कितने दिन का है सर पूरा ये? ये 9 दिन का है, फर्स्ट फेज का है वो हमारा। ये जो प्रोग्राम है हर गांव को पहुंचने का हम पादयात्रा एक प्लान किए हैं। ये फर्स्ट फेज में ये 108 किलोमीटर ये 37 विलेजेस कवर करते हैं, ये 9 दिन का प्रोग्राम हम लोगों में, क्योंकि आप ऐसा माहौल BJP ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है कि यही लोग देशभक्त आ रहे, ये तो फ्रीडम स्ट्रगल में BJP के साथ दिए हैं BJP वाले, ये जो जनसंघी थे वो ब्रिटिशर के साथ थे,
यू नो हमको देशभक्ति का पाठ पढ़ाने आया है, इसका हम जवाब नहीं दे रहे हैं, लोगों में इल्म लाने की कोशिश कर रहे हैं।